हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम्स यू इन कुशल क्लासेस। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 10 के 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें इस बार जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर दिए गए हैं, इट मीन्स दिस थ्री पॉइंट्स शुड लाई ऑन द सेम लाइन, है ना। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम इनको कुछ नेम प्रोवाइड करा देते हैं। लेट ए 7-2, बी 5-1 एंड सी 3k। ओके, सो दीज आर आवर पॉइंट्स 5-1 एंड 3k। अब क्योंकि देखिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, सो इट मींस इन तीनों पॉइंट की हेल्प से जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे वो एरिया क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो। सो हम यहां पर इनको सबसे पहले अब कंपेयर भी कर लेते हैं, लेट दिस पॉइंट्स एंड कंपेयर देम विथ x1y1, x2y2 एंड x3y3। सो x1 इज 7 एंड y1 इज -2, x2 इज 5 एंड y2 इज 1 एंड x3 इज 3 एंड y3 इज k। अब हमें क्या गिवन है भाई, ये कोलिनियर है। ओके, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय दीज थ्री पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। सो अब हम इन तीनों पॉइंट की हेल्प से एरिया लेकर चलते हैं, किसके, जीरो के इक्वल। सो इनका एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, सो हाफ ऑफ x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2 एंड इट्स गोना बी इक्वल टू 1। ओके, सो अब हम चाहें तो इस 2 को जो डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर दें और वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो रिजल्ट देगा। तो अब इनके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए x1 इज 7, देन ब्रैकेट y2 1 -y3, देन प्लस x2 इज 5, देन ब्रैकेट y3 -y1 इज -2, देन x3 y1 -y2। ओके, सो अब इन वैल्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं हम। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो 7 -7k प्लस 5k, ये माइनस माइनस प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई 5, इट्स गोना बी 10। देन -3 एंड प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन -9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो -7k एंड प्लस 5k, सो इट इज -2k। 10 -9 1 1 एंड 7 इट इज 8। सो आप देख सकते हैं कि k की जो वैल्यू है वो, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4k इक्वल आ रही है, और हमें यही फाइंड आउट करना था। यानी कि अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स में k के रिप्लेसमेंट में क्या लेकर चल रहे हैं, 1 लेकर चल रहे हैं, सॉरी 4 लेकर चल रहे हैं, तो जब आप इनका एरिया निकालेंगे दोबारा से तो एरिया क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो का मतलब ये हो गया कि ये कोई भी ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, है ना। इसी तरह से हम सेकंड 8-1k-4 सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स यहां लिख लेते हैं, 8-1k-4 एंड द सी इट इज 2-5। ओके,
सो इन्हीं को x1 y1 इनसे कंपेयर कर लेते हैं, इसको x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं, और लास्ट सी को x3 y3 से कंपेयर कर लेते हैं. ओके, सो डायरेक्टली यहाँ लिख रहे हैं कि x1 y1 इनकी वैल्यूज क्या हो गई. x1 इज 8 एंड द y1 इज 1, x2 इज k एंड y2 इज -4 एंड x3 इज 2 एंड y3 इज -5, है ना. सो फिर से अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स भी क्या हैं, कोलिनियर, सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू 0, है ना. सो इसका फॉर्मूला लेकर चलते हैं फिर से. हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को खत्म कर देते हैं, 0 की तरफ शिफ्ट करके खत्म हो जाएगा. x1 की वैल्यू 8, y2 -4 माइनस -5, y3 की वैल्यू, ठीक है. x2 इट इज k, y3 -4 माइनस y1 इज 1 एंड x3 इट इज 2, y1 इज 1 माइनस y2 इज -4. सो अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. पहले अंदर एक और ब्रैकेट है, उनको ओपन कर लेते हैं. देखिए माइनस माइनस प्लस 5 के, ये -6 हो जाएगा एंड देन 2 ये +4 बन गया. सो -4 प्लस 5 1, 1 इंटू 8 8 एंड इट इज -6 के एंड देन प्लस 5, 5 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया 10. कभी कभी कैलकुलेशंस मुश्किल लगते हैं, पता नहीं क्यों, है ना. सो 6 के 8 एंड 10 कितना हो गया 18. सो 6 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा, सो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3. तो यही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी. तो देखिए क्वेश्चन क्या था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो k की फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या आई 4 एंड द सेकेंड पार्ट में क्या वैल्यू आ रही है इट इज 3, ताकि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं वो पॉइंट्स क्या हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं. इट मीन्स उनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बनाया जा सकता है.